कॉन्फ्रेंस लीक के बाद हंगामा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की गई बंद। डिस्कशन के बाद लिया फैसला, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर छात्राओं का नहाते हुए एक वीडियो लीक होने की खबर है, जिसके बाद से यूनिवर्सिटी के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने अब गर्ल्स हॉस्टल वार्डन राजविंदर कौर को छात्रों के साथ कथित दुर्व्यवहार के आरोप में निलंबित कर दिया है। यूनिवर्सिटी को भी शनिवार 24 सितंबर तक के लिए सभी छात्रों के लिए बंद कर दिया है। हॉस्टल वार्डन का एक वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें वह आरोपी लड़की से सवाल जवाब कर रही है। इसका पूरी अलफन नंगी करो, इसकी बनाओ वीडियो, भेजो लड़का के पोस्टर बनवाए हम इसके बेशर्म के। किसने बोला तेरे को वीडियो बनाने के लिए? अपोलॉजी लेकर मेरे को दे दे, तेरे इंसिडेंट रिपोर्ट बनेगी, तेरे को सस्पेंड करेंगे आज ही, कम सर के पास भेज दे तेरे को। क्यों पुलिस मारो एक तरफ, फिर कंप्लेन करते कि वार्डन थप्पड़ मारने को बोलती है। कितना गंदा काम, घिनौना काम कर रही है तू। इनकी क्या इज्जत नहीं है किसी की? फिर क्यों करती है, किसके कहने पे करती है? तेरा बहुत बुरा हाल कर देंगे बाहर। किसने बोला तेरे को बनाने के लिए? किसने बोला? वार्डियस हॉस्टल की एक छात्रा पर यूनिवर्सिटी के बाहर अपने एक पुरुष दोस्त को आपत्तिजनक वीडियो भेजने का आरोप है। वार्डन पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस को जल्द इस मामले की जानकारी नहीं दी और छात्राओं को डांट भी लगाई। बहुत से छात्राओं को घर निकलते हुए भी देखा गया। विरोध कर रहे छात्रों का आरोप है कि एक छात्रा ने हॉस्टल में नहाते हुए छात्राओं का वीडियो बनाया, बाद में इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने यह भी दावा किया है कि वीडियो वायरल होने के बाद हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं ने आत्महत्या का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने आत्महत्या के सभी दावों को खारिज कर दिया है। न्यूज एजेंसी NI के मुताबिक ADGB कम्युनिटी अफेयर्स डिवीजन मोहाली पंजाब में कहा कि शिमला का लड़का आरोपी लड़की को जानता है। जब लड़के को गिरफ्तार किया जाएगा और फोन की फॉरेंसिक जांच होगी, तब सब कुछ साफ हो जाएगा। फॉरेंसिक से डिलीट हुई हुई वीडियो वापस आ जाएंगी। SSP मोहाली विवेक शील सोनी ने कहा, अब हम मामले में विस्तृत जांच कर रहे हैं। हमारे पास जो भी जानकारी और वीडियो है उसकी फॉरेंसिक जांच करवा रहे हैं। हमने अभी तक जो जांच की है उसमें यह बात साफ आती है कि जो वीडियो है वो उसकी खुद की है, उसके अलावा किसी और की कोई वीडियो नहीं है। एक कल शाम को एक मैटर नोटिस में आया था जहाँ पे कि कोई वीडियो बनाया गया है बाई अ गर्ल, एक स्टूडेंट की तरफ से, और वो वीडियो जो है उसके रिगार्डिंग कुछ र्यूमर फैल गया था कि वो वीडियो किसी कुछ और लोगों का भी बनाया गया है। तो उसके बेस के ऊपर यहाँ पे कुछ बच्चे जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी FIR रजिस्टर कर दी गई है और जो अक्यूज हैं उनको हम अरेस्ट कर चुके हैं। मैटर अब इन्वेस्टिगेशन के अंदर है। इसमें मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि कोई भी जो र्यूमर्स हैं उनके ऊपर बिल्कुल हम ध्यान ना दें। किसी भी की कोई डेथ नहीं हुई है यहाँ पे। इस तरह के कुछ र्यूमर्स मेरे नोटिस में आ रहे थे, कुछ वीडियोज इस तरह के वायरल हुए हैं। अभी तक मेडिकल रिकॉर्ड के मुताबिक हमारे नोटिस में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है। हमने ऑलरेडी FIR रजिस्टर कर दी है और एक एक जो है जो अक्यूज्ड स्टूडेंट है उसको हम ऑलरेडी अप्रिहेंड कर चुके हैं।